शिमला जिला के रामपुर स्थित चार जिलों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। डिलीवरी के लिए लाई गई महिला के परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत चिकित्सालय की लापरवाही की वजह से हुई है। बीते रोज शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक महिला को लेबर रूम में रखा गया और उन्हें सब कुछ सामान्य होने की बात कही गई। जब रात शक होने पर जानकारी लेने का प्रयास किया तो गर्भवती महिला के साथ आए व्यक्ति और सास ने चिकित्सक और सिक्योरिटी में तैनात कर्मी से पहले उन्हें घसीटकर लेबर रूम लाया गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। महिला के परिजनों ने रामपुर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने बच्चे के शव को लेने से भी सुबह इनकार कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए शिमला रेफर करने की मांग की। घंटों तक हंगामा के बाद शव IGMC पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर सहमति बनी है। प्रसूति के लिए लाई गई महिला के पिता केशव राम ने बताया कि उनकी बेटी को सोमवार भर्ती करवाया गया था और बीते रोज तक नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन बीती रात बच्चे की मौत हो गई। उस दौरान उसके दामाद और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। हाँ जी, गाँव दिन जी डाकर लड़ो, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। सर, मेरी बेटी यहाँ पे एडमिट थी, सोमवार को एडमिट की थी, जो कि आज तक कल शाम तक मतलब नॉर्मल डिलीवरी बताते रहे। उसके बाद 11 बजे बच्चे को बोलते हैं कि वो डेड हो गया है। वहाँ पे ना डॉक्टर थे, दो नर्स थी वहाँ पे। हाँ जी, उसके बाद बोलते हैं कि बच्चा संभालो। तो उसके बाद हमारे साथ मेरी वाइफ के साथ और मेरे दामाद के साथ इन्होंने मारपीट की। एक डॉक्टर थे, एक सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी, और महिला से? हाँ जी, महिला से मारपीट की डॉक्टर ने। तो क्या चाहते? जबकि 1 घंटे में बेहोश थी। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ, गुहार चाहता हूँ कि न्याय, अमर को न्याय मिलना चाहिए। न्याय की गुहार लगाता हूँ मैं। महिला के पति कृष्ण ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और धमका कर लेबर रूम ले जाया गया और मोबाइल भी छीन लिया गया और गर्दन से पकड़ा गया और उसके बाद उनकी सास की भी पिटाई की गई। वो सीधा हाथापाई करता और मेरे को अंदर ले जाता है डिलीवरी रूम में। सीधा बोलता जान से मारने की धमकी देता और सिक्योरिटी गार्ड को लाता है और मेरे को अंदर धक्का देते और मारते है, घसीटते हैं, मोबाइल छीनते हैं और मुझे गले से पकड़ते हैं और मेरे 10,000 गुम हो गए पैसे, मुझे नहीं पता किसने निकाले और खेलते हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ को ही गले से पकड़ते हैं, धक्के देते हैं डॉक्टर हरीश और फिर जान से मारने की धमकी देते हैं और साथ में से बोलते हैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। जान से मारने की धमकी देते हैं, मुझे न्याय चाहिए। जो भी ये इस केस में शामिल थे ये डिसमिस होने चाहिए बस मुझे। वहीं खनेरी चिकित्सालय के प्रभारी एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र मेहता का बताया कि रात 12 बजे के करीब डिलीवरी हो गई थी। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही बच्चों को डॉक्टर वहां पहुंचा तो अंदर पहले ही लेबर रूम में दो लोग पहुंच चुके थे और वीडियो बना रहे थे। लेबर रूम में दूसरी महिलाएं भी डिलीवरी के लिए लाई गई थी। लेबर रूम में मर्दों का प्रवेश वर्जित है और वे वीडियो भी बना रहे थे, तो इस पर स्टाफ ने विरोध किया और परिजनों का आरोप निराधार है। दो अन्य महिलाएं जो है डिलीवरी के लिए लटाई हुई थी, जिससे कि ये है, ये गलत एक प्रयास उसके द्वारा किया गया कि उसने जो है लेबर रूम में घुसकर एक फीमेल की प्राइवेसी को ब्रीच किया है। क्या वहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा था उसकी ओर से? वो एक वीडियो बनाया जा रहा था जो कि एक गलत संदेश बाहर जाता है, जो उनकी अंदर जो है किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है और ये एक प्रोटोकॉल के तहत। तो अभी वो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो किस तरह, वो क्या सच सही है जो आरोप उनके? ये आरोप तो सरासर वैसे गलत होते हैं। फिलहाल हमने जो डॉक्टर साहब से और जो नाइट ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उनसे बात की, लेकिन फिर भी